आज दिनांक 22/11/2021 को खारून नदी महादेव घाट में माननीय नंद कुमार बघेल जी बाबूजी जल समाधि लिए हुए हैं। और जल समाधि का कारण है कि केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पूरे देश के राज्यों को एथेनॉल बनाने की अनुमति दे और छत्तीसगढ़ सरकार को जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र एथेनॉल बनाने की अनुमति दें ताकि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल बने। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और एथेनॉल बहुत उत्तम धान से बन सकता है। इन बातों को लेके आज बाबूजी महादेव घाट खारून नदी में जल समाधि में हैं और ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को, देश के सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को कि आप ये देश की कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा ही है, तो इसलिए एथेनॉल बनाने की अनुमति जल्द से जल्द घोषित किया जाए ताकि भारत के कृषक समृद्ध हों, भारत का अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो और दुनिया में जो भारत का मुद्रा जा रहा है पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल के माध्यम से वो रुके और भारत का पैसा भारत में रहे ताकि यहाँ और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य भारत में हो सके। इन बातों को लेके माननीय बाबू जी जल समाधि में जो स्पष्ट ये कैमरे में दिखाई पड़ रहे हैं आप माननीय नंद कुमार बघेल जी हैं जल समाधि में हैं और बहुत देर से जल समाधि में हैं और साथ में बाबूजी के बड़े प्रिय और सहयोगी माननीय क्रांति साहू जी हैं। जैसा कि आप नाव में देख पा रहे हैं कि नाव में भाई लोग हैं जो यहाँ पे हैं और बड़ी संख्या में बाबूजी के जल समाधि के गवाह चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये महादेव घाट है जो यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा मेला लगा था, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत बड़ी नदी है और यहाँ पे जल समाधि के लिए माननीय नंद कुमार बघेल जी आए हुए हैं और उन्होंने जल समाधि लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत जी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।